तो बच्चों 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्टेन क्वालिटी ऑफ ए वुड कॉस्ट ₹250 पर मीटर क्यूब। ए सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सच वुड इज बॉट फॉर ₹182.25। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड यूज द मेथड ऑफ फैक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द ब्लॉक। तो बड़ा ईजी है, फैक्टर्स के मेथड से मुझे एक एज निकालनी है और इसका वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम बड़ा इजी है, देखो बच्चों। तो सबसे पहले तो देखो, कॉस्ट ऑफ ₹250 फॉर 1 मीटर क्यूब बोला हुआ ना। तो ध्यान से देखो, अब 1 रुपये की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? 1 रुपये की कॉस्ट होगी 1/250 मीटर क्यूब। और बच्चों अब बोल रहा है कि इतने रुपए की कितनी कॉस्ट होगी? तो देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ 182.25, इसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? ये हो जाएगी 182.25/25, 250। ऑब्वियसली बात है। और ये कितना होगा? मीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, ये अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ ना, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल है, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 182.25 अपॉन, बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 25 × 1000। देखो 25 × 1000 लिख सकता हूँ मैं इसको अलग से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बच्चों देखो, मैं इसको काटता हूँ, इसको 5 से कटेगा, तो बच्चों ये आ जाने वाला है मेरे पे कितना? यह आ जाएगा 729/1000, है ना। और ये मेरा वॉल्यूम है बच्चों, याद रखना। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 0.729 मीटर क्यूब। तो बच्चों देखो, ये आ गया क्या मेरा, क्या आ गया बच्चों? ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब बच्चों वॉल्यूम आ गया मेरा इतना, सिंपल है। अब क्या बोल रहा है कि मुझे एक एज निकालनी है, एक एज निकालनी है, मतलब वॉल्यूम ये है। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर एक एज निकालनी है, लेट सपोज दिस इज एन लेंथ ऑफ ए ब्लॉक, तो अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ होता है एक्स क्यूब, एक्स ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब या एक्स क्यूब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ए क्यूब लिख लिया, तो ए क्यूब हो जाएगा मेरा 0.729 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। मीटर को हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये क्यूब है, क्यूब में मैंने आपको बताया था अभी, अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट बोलते हैं ना, क्यूब रूट, तो हो जाएगा 0.729। पॉइंट हटाया बच्चों नीचे से, 3 जीरो लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके फैक्टर निकालूंगा, बोला ना फैक्टर मेथड से निकालना है। इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर निकालो, और देखो फिर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर फैक्टर निकाल लेता हूँ 729 का, और यहाँ पर 1000 का भी निकाल लेता हूँ, है ना। तो देखो फैक्टर्स निकाल लेता हूँ मैं, तो अब करता हूँ पहले मैं 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 या 9। फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3 से 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20, 3 8 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से फिर दोबारा करता हूँ, 3 3 जा 3 3 3 या 9, 3 2 जा 6, ये बचा 3 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 कितने जा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये पूरा कट गया। देखो पेयर्स में आ रहे हैं, 3 के मैं ट्रिपलेट लूँगा 1 2 3, क्योंकि ये क्यूब रूट है, फिर इसमें भी 3, तो अब ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 से, तो 5 2 जा 10, 0 0, फिर 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 5 8 जा, फिर 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, फिर 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। फिर देखो 2 का भी ट्रिपलेट और 5 का भी ट्रिपलेट। अब मैं यहाँ पर सीधे ए लिख लेता हूँ, और यहाँ पर देखो इसके 3 × 3 अपॉन, ये बाहर आ गया, ठीक है, अंडर रूट के, क्योंकि ये क्यूब से बाहर आ गया। तो 3 थे इसके, तो मैं यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा देखो बच्चा, अंडर रूट क्यूब में, है ना, क्यूब रूट है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2। तो देखो बच्चों, ये बाहर आ गए, इससे बाहर आ गए, तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये पूरा 5 बाहर आ गया, तो 5 × ये भी 2 पूरा, 2 2 2 बाहर आ गया, तो ये भी आ जाएगा बाहर, तो ये जाएगा 9/10।
और पॉइंट लगाया तो ये जाएगा 0.9। तो एक जो साइड आ गई मेरी, जो एक्स आ गया, वो आ गया मेरा 0.9। ठीक है, तो बच्चों देखो 0.9 मीटर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका 14th क्वेश्चन।